तो गाइस आज की सुनो करने वाले Xiaomi Mi A3 वर्सेस Redmi Note 7 Pro का फुल कंपैरिजन आपको बताएंगे। दोस्तों यहां पर आपको Xiaomi का Mi A3 बाय करना चाहिए या फिर दोस्तों यहां पर आपको Redmi Note 7 Pro अभी बाय कर लेना चाहिए और Xiaomi Mi A3 का वेट करना चाहिए, सारी चीज़ दोस्तों हम आपको डिटेल में बताएंगे। और यहां पर दोस्तों दोनों स्मार्टफोन का फुल कंपैरिजन करने वाले हैं क्योंकि यहां पर जो Xiaomi का Mi A3 स्मार्टफोन है ये पूरा सामने आ चुका है। और यहां पर जो चाइना में Mi 9X के नाम से डिवाइस लॉन्च हुआ, यहीं पर दोस्तों ये Xiaomi का Mi A3 स्मार्टफोन बनकर आने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। और यहाँ पर दोस्तों आज हम करने वाले Xiaomi की Mi A3 वर्सेस Redmi Note 7 Pro का फुल कंपैरिजन बताएंगे। दोस्तों यहाँ पर आपको कौन सा स्मार्टफोन बाय करना चाहिए, यहाँ पर आपको Redmi Note 7 Pro अभी बाय करना चाहिए या फिर दोस्तों यहाँ पर आपको Xiaomi का Mi A3 का वेट करना चाहिए। तो बिना किसी तरीके से वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के डिजाइन के बारे में। तो यहाँ पर आपको Redmi Note 7 Pro बैक में काफी अच्छा ग्लास बिल्ड आपको देख मिल जाता है ग्रेडेड फिनिशिंग के साथ में। और यहाँ पर आपको ग्लास बिल्ड मतलब काफी अच्छी आपको फीलिंग दे देता है। तो यही सेम डिजाइन दोस्तों यहाँ पर आपको Xiaomi का Mi A3 स्मार्टफोन में भी आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पर आपको बैक में ग्लास बिल्ड आपको देखने मिलेगा ग्रेडेड फिनिशिंग के साथ में। और यहाँ पर आपको काफी अच्छी मतलब प्रोडक्शन भी आपको देखने के लिए मिलेगी गोरिल्ला ग्लास की, ये बात का काफी अच्छी बात है। और यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन की ड्यूरेबिलिटी भी बढ़ जाती है गोरिल्ला ग्लास 5 प्रोडक्शन की मदद से। तो यानी दोस्तों यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन का डिजाइन काफी हद तक सेम होने वाला है। और अब यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के डिस्प्ले के बारे में। तो यहाँ पर आपको Xiaomi के Mi A3 स्मार्टफोन में मिलेगा 6.4 इंच का फुल एचडी प्लस सुपर एमोलेड वाला डिस्प्ले। जी हाँ गाइस, यहाँ पर जो सुपर एमोलेड डिस्प्ले है कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पर काफी ज्यादा बेटर निकल कर आता है। और यहाँ पर आपको इन्फिनिटी वी शेप की नॉच भी आपको देखने के लिए मिलती है, स्मार्टफोन काफी अच्छा आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों डिस्प्ले के मामले में सुपर एमोलेड होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा बेटर आपको देखने को मिलता है डिस्प्ले। और यहाँ पर बात करते हैं Redmi Note 7 Pro स्मार्टफोन की, यहाँ पर आपको देखने मिलता है 6.3 इंच का फुल एचडी प्लस वाला डिस्प्ले, लेकिन यहाँ पर आपको कोई भी सुपर एमोलेड पैनल आपको देखने को नहीं मिलता। यानी दोस्तों यहाँ पर अगर बात करते हैं डिस्प्ले के बारे में, तो यहाँ पर दोस्तों आपको Xiaomi Mi A3 स्मार्टफोन की काफ़ी अच्छी डिस्प्ले आपको देखने के लिए मिलती है। और यहाँ पर विनर है डिस्प्ले के मामले में Xiaomi का Mi A3। अब यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों आपको परफॉर्मेंस एक्जैक्टली सेम आपको देखने मिलती है। और यहाँ पर आपको Xiaomi के Mi A3 स्मार्टफोन में स्नैपड्रैगन का 675 वाला प्रोसेसर आपको देखने मिल जाता है। और यहाँ पर दोस्तों हमारा जो Redmi Note 7 Pro, यहाँ पर भी दोस्तों आपको स्नैपड्रैगन का 675 वाला ही प्रोसेसर आपको देखने मिलता है। यानी दोस्तों यहाँ पर परफॉर्मेंस के मामले में एकदम सेम होने वाला है ये फ़ोन। लेकिन गाइस जब यहाँ पर बात करते हैं कैमरा के बारे में, तो यहाँ पर मतलब पूरा चेंज हो जाता है फ़ोन। और यहाँ पर आपको Xiaomi के Mi A3 स्मार्टफोन मिलता है 48 मेगापिक्सल प्लस 13 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल का, यहाँ पर दोस्तों आपको ट्रिपल रियर कैमरा का सेटअप आपको देखने को मिल जाता है, जो कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कमाल की बात। और यहाँ पर जो फर्स्ट 48 मेगा सेंसर, यहाँ पर आपको सोनी का आईमिक्स वाला सेंसर आपको देख मिलता है, जो यहाँ पर 13 मेगापिक्सल का कैमरा है। यहाँ पर दोस्तों आपको अल्ट्रा वाइड लेंस आपको देख मिलता है। और यहाँ पर जो थर्ड लेंस है वो यहाँ पर आपको टेलीफोन लेंस आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो Xiaomi का Mi A3 स्मार्टफोन है इसके यहाँ पर दोस्तों काफ़ी अच्छी कैमरा क्वालिटी होगी। यहाँ पर दोस्तों आपको EIS और 4K का भी सपोर्ट आपको देखने के लिए मिल जाता है। और यहाँ पर दोस्तों अगर बात करते हैं Redmi Note 7 Pro के रियर कैमरे के बारे में, तो यहाँ पर आपको 48 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरा आपको देख मिलता है। और यहाँ पर आपको जो 48 मेगापिक्सल सेंसर है, यहाँ पर भी आपको सोनी का IMX वाला ही सेंसर आपको देख मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपको टेलीफोटो लेंस आपको देखने के लिए मिल जाता है, अल्ट्रा वाइड लेंस आपको देखने के लिए मिलता है यहाँ पर आपको Xiaomi के Mi A3 स्मार्टफोन में। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो पिक्चर क्वालिटी है Xiaomi Mi A3 की काफ़ी ज़्यादा बेटर होने वाली है। और यहाँ पर दोस्तों अगर बात करते हैं फ्रंट कैमरे के बारे में, तो यहाँ पर आपको Xiaomi के Mi A3 स्मार्टफोन में मिलती है 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, जो कि एकदम माइंड ब्लोइंग होने वाली है। और यहाँ पर दोस्तों नो डाउट पिक्चर दोस्तों यहाँ पर काफ़ी अच्छी आएगी, और यहाँ पर आप काफ़ी अच्छी क्वालिटी में वीडियो भी शूट कर पाएंगे Xiaomi के Mi A3 स्मार्टफोन के फ्रंट कैमरे से। तो यहाँ पर 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा आपको काफ़ी ज़्यादा बेटर आपको देखने के लिए मिलने वाला है। और यहाँ पर अगर बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर Redmi Note 7 Pro स्मार्टफोन की, तो यहाँ पर आपको 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक दोस्तों, कहीं ना कहीं यहाँ पर कैमरा में चाहे वो रियर का हो चाहे फ्रंट का हो, यहाँ पर दोस्तों Xiaomi का Mi A3 अल्टीमेट आपको देखने के लिए मिलने वाला है। तो कैमरा दोस्तों यहाँ पर Xiaomi का Mi A3 स्मार्टफोन काफ़ी ज़्यादा बेटर देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के बैटरी के बारे में, यहाँ पर दोस्तों बैटरी में भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है दोनों स्मार्टफोन में। जहाँ पर दोस्तों आपको Redmi Note 7 Pro में दोस्तों देखने मिलती है 4000 mAh की बैटरी फास्ट चार्जिंग के साथ में। और यहाँ पर दोस्तों आपको टाइप सी का पोर्ट भी आपको देखने मिल जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको Xiaomi के Mi A3 स्मार्टफोन में बैटरी यहाँ पर डाउन साइड आपको देखने को मिलता है, जहाँ पर आपको 3300 mAh की बैटरी आपको देखने के लिए मिलेगी, जो कि यहाँ पर Xiaomi के जो A सीरीज है वहाँ पर काफ़ी कम बैटरी आपको देखने मिलती है। यहाँ पर दोस्तों आपको काफ़ी कम बैटरी आपको इस बार भी देखने के लिए मिलेगी। और यहाँ पर आपको 3300 mAh की बैटरी फास्ट चार्जिंग के साथ में आपको देखने के लिए मिल जाएगी। टाइप सी का पोर्ट आपको यहाँ पर भी दिया गया है, यह बात मतलब देखने वाली बात है। और यहाँ पर अगर बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के कुछ खास फीचर के बारे में, यहाँ पर आपको Xiaomi के Mi A3 स्मार्टफोन में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर आपको देखने मिल जाता है, जबकि यहाँ पर जो Redmi Note 7 Pro स्मार्टफोन है यहाँ पर आपको फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर आपको देखने के लिए मिलता है।
चैनल दोस्तों, यहाँ पर जो शामी का मी3 स्मार्टफोन है, यहाँ पर आपको खास टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर दोस्तों आपको एक एडवांटेज आपको देखने में जाता है इंडस्ट्री फिंगरप्रिंट सेंसर का, जो कि यहाँ पर काफ़ी कमाल की बात है। और यहाँ पर फेस अनलॉक आपको दोनों ही स्मार्टफोन में आपको देखने के लिए मिल जाता है, तो ये बात आपको ध्यान देने वाली होगी। अब यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं एंड्रॉइड ओएस के बारे में, तो यहाँ पर आपको शामी के मी3 स्मार्टफोन में बहुत ही अच्छा यहाँ पर आपको एंड्रॉइड 1 प्रोग्राम आपको देखने मिलता है, जहाँ पर आपको जो MIUI 10 का सपोर्ट है यहाँ पर आपको देखने के लिए बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, बिल्कुल आपको क्लीन एक्सपीरियंस आपको देखने के लिए मिलेगा। और ये फोन दोस्तों यहाँ पर आपको एंड्रॉइड पाई के साथ में आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पर आपको एंड्रॉइड क्यू कन्फर्म आपको देखने के मिल जाएगा। और यहाँ पर जो हमारा रेडमी नोट 7 प्रो स्मार्टफोन है, यह आपको देखने को मिलता है MIUI 10 के साथ में, और यहाँ पर आपको एंड्रॉइड पाई आपको देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको चूज़ करना होगा कि यहाँ पर आपको एंड्रॉइड 1 पसंद है या फिर दोस्तों यहाँ पर आपको कस्टम UI पसंद आता है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर बात करें दोनों स्मार्टफोन के रैम वेल्स के बारे में, तो यहाँ पर आपको जो रेडमी नोट 7 प्रो स्मार्टफोन है 4GB रैम, 64GB स्टोरेज, 6GB रैम, 128GB स्टोरेज आपको देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर जो हमारा शामी का मी3 स्मार्टफोन होने वाला है, वो यहाँ पर दोस्तों आपको देखने के लिए मिलेगा 4GB रैम, 64GB स्टोरेज और 6GB रैम, 128GB स्टोरेज। यहाँ पर आपको 8GB रैम, 128GB स्टोरेज, यहाँ पर दोस्तों आपको ऐसे तीन रैम आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। और यहाँ पर अगर बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन की प्राइसिंग के बारे में, तो यहाँ पर आपको रेडमी नोट 7 प्रो स्मार्टफोन है वो यहाँ पर दोस्तों आपको देखने मिलता है 14,000 रुपीज़ की प्राइसिंग में, जो कि यहाँ पर दोस्तों अल्टीमेट फ़ोन है। लेकिन यहाँ पर जो शामी का मी3 स्मार्टफोन है, इसकी प्राइसिंग की अगर बात करते हैं, तो ये दोस्तों यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा 16,000 से 17,000 रुपीज़ की प्राइसिंग में, जो इसका बेस वेरियंट आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये बात मतलब काफ़ी ज़्यादा कमाल की बात है। और यहाँ पर दोस्तों अगर आपको 17,000 रुपीज़ के फ़ोन में जहाँ पर आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले आपको देखने को मिलता है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर आपको देखने को मिलता है, इतना कमाल का आपको ट्रिपल रियर कैमरा का सेटअप आपको देखने को मिलता है, फ्रंट कैमरा 32 मेगापिक्सल का है, ये बात मतलब काफ़ी ज़्यादा अल्टीमेट वाली हो जाती है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पर काफ़ी अच्छा आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा शामी का मी3 स्मार्टफोन में। और डेफिनेटली दोस्तों अगर आप यहाँ पर वेट कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप शामी मी3 का वेट करें, यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा पैकेज आपको देखने को मिलेगा। हालांकि दोस्तों यहाँ पर जो रेडमी नोट 7 प्रो वो भी काफ़ी अच्छा आपको देखने मिलता है, लेकिन अगर आप वेट करेंगे तो यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा आपको देखने के लिए मिल जाएगा शामी का मी3 स्मार्टफोन। और यहाँ पर दोस्तों एंड्रॉइड 1 ज़्यादातर लोगों को पसंद आता है, तो ये भी एक एडवांटेज आपको देखने के मिल जाता है शामी के मी3 स्मार्टफोन में। तो ये दोस्तों यहाँ पर पूरा शामी का मी3 स्मार्टफोन और रेडमी नोट 7 प्रो का पूरा फुल कंपेरिजन। तो मुझे उम्मीद दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आएगी, और इन्फॉर्मेशन वीडियो देखने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को। थैंक यू दोस्तों।